Jammu and Kashmir state is blessed with diverse agroclimatic conditions, topography and natural resources for cultivation of a wide range of agri-horticultural crops. With the increasing shortage of fossil fuels like LPG, coal, petrol, diesel and its adverse impact on national economy, it has become a pressing need to explore renewable sources of energy, especially for domestic and agricultural purpose. Energy means urja. Urja aaj hamari zindagi ka ek ahem hissa ban chuki hai. Urja hame vibhinn zariyon se prapt hoti hai. Urja hame prapt hoti hai paramparik zariyon se aur gair paramparik zariyon se. पारंपरिक जरिए का मतलब है कि जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारी एलपीजी गैस, जैसे कि कोल, जैसे कि चारकोल, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, जो कि आज जिनकी उपलब्धता आज कितनी कम हो गई है और महंगाई की वजह से इनके दाम आसमान छू रहे हैं. दूसरा जरिया है हमें ऊर्जा प्राप्त करने का गैर पारंपरिक स्रोत. गैर पारंपरिक स्रोत में क्या आता है? गैर पारंपरिक स्रोत में आता है जैसे सूर्य की गर्मी, सूर्य ऊर्जा, या विंड पावर जैसे कि हवा से उत्पन्न हुई एनर्जी, या वाटर पावर यानी कि पानी से उत्पन्न हुई ऊर्जा, या दूसरा बायोमास. बायोमास का मतलब ये है कि जो हमारा विभिन्न जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो हमारा खेती बाड़ी में से जो वेस्ट चला जाता है उसको हम बायोमास बोलते हैं. या जैसे गोबर है, गोबर को भी हम बायोमास की ही श्रेणी में डालते हैं. गोबर जैसे बायोमास, बायोमास को हम यूटिलाइज कर सकते हैं बायोगैस के लिए. तो जब इस टेक्नोलॉजी को हमने यहाँ लगाने का विचार बनाया तो देखा कि हमने यहाँ पर कि टेम्परेचर जो है, यहाँ टेम्परेचर -10 डिग्री तक चला जाता है और बर्फ़ की वजह से काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट होता है. तो उस कंडीशन में जो सिंपल बायोगैस प्लांट्स थे जो हमारे प्लेन एरियाज में चल रहे हैं, जैसे फिक्स्ड डोम टाइप हैं और अदर टाइप्स के प्लांट्स हैं, वो यहाँ पर काम नहीं किए. हमने यहाँ लगा कर देखा कि वो 6 से 8 महीने तक चलते हैं, उसके बाद वो काम नहीं करते हैं. तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद मांगी. हमने उनको प्रोजेक्ट सबमिट किया तो उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया और ये हमें काम करने का मौका दिया. तो इस प्रोजेक्ट के तहत हमने जो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स थे वो हमने यहाँ पर कोशिश किया और एक जिसमें हमें सक्सेस मिली वो था हमारा फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट. इस प्लांट के अंदर, इसके डिज़ाइन में हमने थोड़ा सा बदलाव किया है, थोड़ी मॉडिफिकेशन की है और वो थ्रो इंसुलेशन मटेरियल्स यूज किए हैं. लाइवलीहुड पैटर्न ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स इन रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट आर करेक्टराइज्ड बाय बायोमास बेस्ड सिस्टम्स. कुकिंग इज द लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग एंड यूज इन द डोमेस्टिक सेक्टर, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक एनर्जी यूज. द डेली ड्रजरी ऑफ ए रूरल वुमेन हैज ऑल्सो बीन ए फेवरेबल टॉपिक ऑफ कॉन्सर्न. वुड, crop residue and animal dung are the main fuels available and used in rural areas with a great amount of drudgery. The need of a fuel wood is a daily critical routine of a rural woman. The number of hours spent in collecting that fuel wood depends on various factors, for example terrain, level of deforestation and the distance she covers. In Kashmir, the rural woman often travels over 10 km for 5 to 6 hours in search of fuel wood. Irrespective of age, health or even pregnant women often carries a head load of over 35 to 40 kg and then she cook. Total ice dam ruyo daza. The aim dam be daz na khat ras ice pema dur pet anen zun zalun. Jungle manz os pema itkan es zun ana pat os pema es uta dur pet anun pat pema yete thawun ekis yat manz. اوس پیوان تھاون تتہ تتہ اس گرد وتھان تم سی اس انفیکشن گھسان پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارا ایک بندہ لکڑی کاٹنے کے لیے جنگل جاتا تھا تو اس کا پورا دن ضائع ہو جاتا تھا اب ایسا نہیں ہے اس گیس سے ہمیں بہت فائدہ ہے اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے یہ ہم یوز کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کھانا وانا پکاتے ہیں اس پر اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں لائٹنگ سسٹم ہے جو ہمیں بہت مفید لگتا ہے اور رات کے ٹائم اگر لائٹ چلی جائے پاور چلا جائے تو ہم اس کا یوز کرتے ہیں. पहले हमारे घरों में जब हम यूज़ करते थे लकड़ी तो उसमें उससे धुआं होता था, हमारी आंखों में जलन होती थी. तो अब ऐसा नहीं है, इस गैस से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है तो इस गैस को हम इस्तेमाल करते हैं. ये एक बार लगानी है और फिर आराम से बैठ के इसका इस्तेमाल करना, उसे फ़ायदे उठाने. इसकी जो खाद बनती है वो खुद ही इस्तेमाल करके उनको पता चल जाएगा कितना फ़ायदा है हमें. द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ ए फ्यूल इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक इन रेनी विंटर एंड स्नो वेदर कंडीशंस.
This direct combustion or burning of a fuel is done in traditional chulhas, which are less efficient and only 10% of the fuel value is harnessed. The burning of cattle dung has not only led to national wastage of organic manures, but has also led to health and environmental hazards. The traditional chulhas produce a lot of smoke and thermal stress, which are very harmful for the health of women and children. My auntie chhe as nar zala temis os chhoit gasa kharab temis os lungs wagera andr kin infection gasa em dusse achan os gasa defect varya ki. The potential for application of biomass as an alternative source of energy in Jammu and Kashmir state is extremely high due to the higher capacity factor of biomass. The animal, agricultural, horticultural and forest residue is abundantly available in the state for production of biomass. Nowadays, this biomass can be used for producing biogas as an alternate source of energy. Biogas eliminates the old age practice. This technology is quite popular in India since long back, as it offers a major solution to the present energy crisis in rural areas. Biogas is a clean fuel produced through anaerobic digestion of a variety of organic wastes, for example animal, agricultural and kitchen wastes. Biogas consists of methane, carbon dioxide and traces of other gases such as hydrogen, carbon monoxide, nitrogen, oxygen and hydrogen sulfide. The relative percentages of these gases depends on the quality of feed material and the process conditions. यह जो बायोगैस है यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसों के मिक्स मिश्रण से बनी है, जिसमें सबसे अधिक इसमें मीथेन गैस है, जिसका प्रतिशत इसमें 55 से लेकर 65% तक का होता है और यह हवा से 20% हल्की है और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर इसका है 650 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक और इसके अंदर से कोई बदबू नहीं निकलती है, गंधहीन गैस है और इसकी जो ऊर्जा है इसमें से एक किलोग्राम में से इसमें 4700 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक किलो गोबर जो होता है उसके अंदर से 37 लीटर गैस निकल सकती है, 37 लीटर गैस उसमें से एक किलो गोबर में से निकल सकती है और उस गैस का प्रयोग हम कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। According to Ministry of New and Renewable Energy, presently more than 4 million biogas plants have been installed in the country up to March 2011. However, in Jammu and Kashmir state, despite of having huge quantity of biomass and potential of installing about 1,28,000 biogas plants, there is only 2,600 biogas plants have been installed. Among these, the 99% of the biogas plants fall in the Jammu region, because of very low temperature in Kashmir and Ladakh regions, which hampers the production of biogas round the year. आजकल सारी दुनिया में ये चर्चा है कि हम alternate source of energy use करें ताकि हमारा जो यहाँ पर pollution है वो भी कम हो जाए, हमारा environment जो है वो protect हो जाए और जो कमी है हमारे rural areas में गांव लोगों के पास energy की उसको भी हम पूरा कर सकें। तो आज सारे हिंदुस्तान में इस वक्त तक कोई 4 मिलियन बायोगैस प्लांट्स बने हुए हैं और काम भी करते हैं, लेकिन ये एक वाहिद स्टेट है जम्मू और कश्मीर की जहां पर हार्डली कोई 2600 के करीब बायोगैस प्लांट्स आए हैं, वो भी जम्मू के रीजन में आए हैं, कश्मीर और लद्दाख में कोई काम नहीं कर रहा है। उसकी एक वजह ये है कि जितने भी बायोगैस प्लांट्स आज तक बने हैं उनमें इंसुलेशन ड्रम नहीं होता था, उनमें टेम्परेचर बढ़ाने का कोई आला नहीं था, कोई ज़रिया नहीं था, जिसके बगैर क्या होता है कि जो गैस बायोगैस है वो जनरेट ही नहीं हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सर्दी होती है, टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, इसलिए वो गैस जनरेट नॉर्मल जो बायोगैस प्लांट्स हैं उनके ज़रिए वो गैस जनरेट नहीं हो जाता था। देयरफॉर डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग under the supervision of Directorate of Research, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir, Srinagar, with the financial support of Department of Science and Technology, Government of India, took an initiative to develop the design of biogas plant especially for the temperate climatic region of the state for production of biogas up to the temperature of minus 10 degrees Celsius. The design of floating drum type biogas plant was modified and developed to suit the temperate climate condition
by using insulated construction materials like hollow bricks, backfilling with rice husk, and construction of polished structure. For the generation of additional heat, hot water is mixed with dung for smooth production of biogas during the severe winter conditions. For producing hot water, a 50-liter tank is kept at the corner space of the polished structure. Division of Agricultural Engineering ने Department of Science and Technology की मदद से 3 वर्ष तक एक प्रोजेक्ट डिजाइन ऑफ बायोगैस प्लांट फॉर टेम्परेट रीजन के लिए काम किया. इसमें हमने विभिन्न प्रकार के बायोगैस प्लांट लगाए और उसमें फ्लोटिंग टाइप बायोगैस प्लांट में हमने कुछ मॉडिफिकेशन की. उस मॉडिफिकेशन से हम राउंड द ईयर गोबर से गैस बनाने में सफल रहे. ये सफलता हम गांव में देहाती इलाकों में पहुंचाने का काम हम जोरों से कर रहे हैं. इस अख बायोगैस प्लांट बनाने खतरे से अख जमीन गोडनेट सी से सिलेक्ट कर तात में से विछान के तात गिस ताफ रोजन ज्यादा टाइम से गिस तात पियोन बीच से विछान के जमीन छ ये गच आसे नजदीक ऐसे ते तेमिस पाह नेरान छ तात नजदीक गच आसे तो टाइम पत गच आसे ये ते ची इस्तेमाल छ करून चाहे किचनस में जाय करून नी मन यूज या बदल कुन जाय ते आसे करून यूज इसी गैस में यूज आइस करूँ सो गैस तात ते नज़दीक आसुन ताकि यूस अत लॉस गठान छु ये अन्नस मंज ये पाह आत्मस त्रावनस या गैस इत पर गैस प्रेशर यूस छु आसान सो गैस न काम गठान सो गैस तिमन दरमियानी जाय रोजन युत तिमन दोन वाई फायदे मिलन पाह ती पेन ज्याद सारन के तो बे गच गैस ते रोज असल पोट दस्तियाब सनिस जमींदार बईस किचनस पन्नस मंज यूस अख बायोगैस प्लांट इस बनावान छु अम खतरे छ इस लगान 3 हत पेट 3.5 हत ता यम सीमेंट सेर यमन जन साइज छ आसा 8 आंच क्यूब आठ आँच ये सीर इस अंदर किन हॉलो इस बायोगैस प्लांट बनावन अख महिर कारगर अतान दसिल तमिस लगान ये दोहस मं ग कम्प्लीट अम खतरे पे गोडनेथ इस जमीन सिलेक्ट कर दोब अख खनान इस दोब खनान तथ डायमीटर इस तथा मुरबा सह शुट आ शुट सो खोल खनान तो एहतियातन साढ़ शे फुट तान क्या कि गोलई करनस या अमी खनस मे प्रॉब्लम साढ़ शे फुट वनान जमींदार बोस गोडनेथी अत दोब खनन इस जन 9 फुट सोन खनान यह जमीन अंडर कम्प्लीट बनावान ताकि वंदस मे अमुक इस प्रोडक्शन सो ग पेन यम मौसम ये खराब वंदस मे टेम्परेचर कम तमिक ग ज्यादा असर पेन कें बायोगैस त्रे हिस्स अखान इनलेट पाइप बेसान डाइजेस्टर तो त्रेम अत आउटलेट इनलेट गो ये अत जमींदार बोस अत त्रावान पाह इस त्रावान सह आबस मं रल त्रावान अच्छा रेशो अख यूत अत आब त्रो यह गुह त्रो तूत यह पाह तीचा अत आब त्रा तो रलान सो इनलेटस मं सह गुक हिस्सा डाइजेस्टरस मं सी पाह यह अत मज ब्रेक डाउन गत गैस अथ मज बन अक लटे ये गैस प्रोडक्शन स्टार्ट गई यह ग अत टंकी मं स्टार्ट ये गैस एक्यूमुलेशन यह अत माइल्ड स्टीलच टैंक यह अत मज ग जमा तो यह वा यूत अत मज ग बनान यह टंकी थोद व यह अम गैस के प्रेशर युत अत मज जमा यह वा पन्नी निश थोद ये थोद वा तो अम पत अत टंकी हूँ वजन सत कर प्रेशर अख मेनटेन प्रेशर अख अमी वेट सर अत प्रेशर एक्जर्ट यम कि अत आउटलेट पाइप गैस आउटलेट पाइप तप जमींदार बोस चाहे सह किचनस मं लगन या पदल कुन कमरस मं अम खत स्पेशल टाइप स्पेशल कस्म चूल अत एल पी जी एस मज यूज कर तम नश थोड़ा सा मुख्तलिफ बेस अम पत लाइट तथा पे वोचमुत कि एल पी जी एस पे लाइट चलान गैस तम नश थोड़ा डिफरेंट अमिच लाइट अत मज हेको चल सी मॉडिफाई कर. The functioning of the Deenbandhu biogas plant is like this. Cow dung is mixed with water in equal proportionate in the mixing tank thoroughly till the homogeneous slurry is formed. The mixture is discharged into the digester through the inlet pipe. This mixture is fermented inside the digester and biogas is produced through bacterial action. The produced gas was collected in a movable steel drum that is called the gas holder, which holds the gas until the time of consumption to be used as fuel. When gas is consumed, the drum sinks down and slurry is pushed out of the digester after the digestion. This cycle is continuous and a fresh mixture is fed every day. This slurry is an important source of an excellent organic manure for a farmer. It is free from weed seeds, foul smell and pathogens. And it may be used
through liquid and compost. Several demonstrations, trainings and awareness programs were organized with the collaboration of Krishi Vigyan Kendra under the supervision of Directorate of Extension Education, Squash and Samiti at the different locations of the plant sites. More than 1,000 farmers, masons and blacksmiths were made aware through different trainings and demonstrations and expressed satisfaction over the newly developed biogas plant. The model biogas plants have been installed at different villages of the region. Chak Safapura, District Gandarbal, Rohama Rafiabad, District Baramula, Village Athena, District Badgaon, and Village Mulnar, Noted Harwan, District Srinagar. 9 foot gehra khadda khoda, 450 foot pur chaudai thi iski. To usme kuch saman bhi diya hame scheme walon ne. To uske zariye se hum isse kafi mufeed ho gaye. Fayda ye mila ke hame اپنا کھانا وقت کا تیار ہو جاتا ہے چائے وغیرہ تیار ہو جاتی ہے اور کبھی پاور شارٹ ہو جاتا ہے تو ہم لمپ جلا دیتے ہیں تو اپنا پورا فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہی کبھی نہیں تھا اور سنا نہیں تھا جو ہم نے دیکھا اس میں بڑا مزہ آیا باقی کے لوگوں کے لیے بہتر رہے گا باقی رہا جو ہم اس میں گوبر ڈالتے ہیں اس سے ہمیں کھاد حاصل ہوتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتا ہے وہ اس مشین کے اندر جلتا نہیں ہے بلکہ اصل اسپیشل کھاد جو بازار سے ہم خریدتے ہیں اس سے 100 گنا آگے ہے یہ بہتر سے بہتر ہمیں اس سے بہت فائدہ ملتا ہے پہلے ہم اس گوبر کو ایک سال اس کو ایک جمع کر کے رکھتے تھے پہلے تو یہ سڑ جاتا تھا پھر ہم اس کو پیڑوں کے نیچے ڈالتے تھے سبزی میں ڈالتے تھے تو اب اس بایو گیس میں جب یہ جا کے جمع ہوا تو اسے یہ اسپیشل کھاد بن گئی نہ اس سے بو آتی ہے نہ اس میں مکھیاں چلتی ہیں نہ کچھ کوئی ماحولیات کی وجوہات اس میں کوئی نہیں ہے گندگی نہیں ہے لہٰذا نہ بو آتی ہے نہ کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ایک اسپیشل انداز سے اس کا کام چل رہا ہے تو اس سے ہم بڑے مفید ہوں گے ذمہ داری لحاظ سے یہ تھی وچان پتہ کن یہ بایو گیس پلانٹ یا اس ذہنس من اخ یونٹ ایگریکلچر یونیورسٹی ہند انجینئرنگ ونگن لوگ تم پہ ووت اس تہ ویسٹ نیرن کرو نا یہ کنزیوم بیس کن اینرجی مز باقی کڑو فٹلائزر تہ یہ سیرل وغیرہ سے نیران کیونکہ اس تک کامیاب تو تم پہ ہوت اس تہ یہ لاگن حس فار دا سلیکشن آف بینیفیشری فارمرس اے سروے واز کیریڈ آؤٹ ان ویریس ڈسٹرکٹس آف کشمیر region by the engineers and scientists of the university. Chi khad chi at neran khad hind mujub kya sa me variya sulat ki ya agar is kunt kulis tal trao amish ka at problem chan at kulis gasan